हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय ऑल व्यूअर्स एंड माय ऑल सब्सक्राइबर्स, माय फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम पढ़ेंगे क्रैकर्स वोकैबुलरी, पटाखों के नाम. लेट्स लर्न इंग्लिश विद हिंदी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी, हेल्दी एंड प्रॉस्परस हैप्पी दिवाली. दीपावली की आप सभी को पूरे दिल से बहुत प्यार भरी शुभकामनाएं. सो आज हम पटाखों के जो नाम है, हमें हिंदी में पता है लेकिन इंग्लिश में पता नहीं, इंग्लिश में पता है लेकिन हिंदी में पता नहीं, ये तो कन्फ्यूजन होता ही रहता है. सो चलिए आज हम अपना कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं. इस सेशन में हम पढ़ेंगे क्रैकर्स का जो वोकैबुलरी है वो. सो पहले आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. ऊपर आई बटन में आपको इंग्लिश विथ हिंदी लर्न करने के लिए हमारा जो हमने एक प्लेलिस्ट लॉन्च किया है, कोर्स लॉन्च किया था, उसका लिंक दिया है. सो प्लीज गो थ्रू दैट लिंक एंड लर्न ऑल द इंग्लिश सेंटेंसेस विथ हिंदी. सो लेट्स स्टार्ट फॉर टुडे सेशन. फेस्टिवल ऑफ लाइट्स यानी कि दिवाली. दिवाली को या फिर दीपावली को इंग्लिश में क्या वर्ड है, दैट इज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, खुशियों का त्योहार दीपावली या फिर दिवाली. देन क्रैकर्स या फिर फायर क्रैकर जो होता है उसे पटाखे. पटाखे तो हम सबको पता है, नॉर्मली जो हम पटाखे जलाते हैं, तो पटाखों को इंग्लिश में क्या वर्ड है. एक तो आप क्रैकर्स बोल सकते हैं या फिर आप फायर क्रैकर्स, कोई भी एक वर्ड यूज कर सकते हो. क्रैकर्स या फिर फायर क्रैकर्स दोनों का मतलब एक ही होता है, पटाखे. यहाँ पर देखिए मोस्ट ब्यूटिफुल डिजाइन्स ऑफ रंगोली. रंगोली यानी कि जो हम हमारे आंगन में रंगी बिरंगी डिजाइन की रंगोली की डिजाइन निकालते हैं, इसे कहते हैं रंगोली. रंगोली का इंग्लिश और हिंदी में सेम ही उसका वर्ड है, सेम ही मीनिंग है. रंगोली इंग्लिश में भी रंगोली कहा जाता है और हिंदी में भी रंगोली कहा जाता है. यहाँ पर देखिए दिया. दिया तो हम सबको पता है, हम दिए जलाते हैं दीपावली में, दिवाली में. बट दिए को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अर्थन लैम्प. इसको क्या कहते हैं, अर्थन लैम्प. ठीक है, ये आप वर्ड ध्यान में रखिएगा. इसी तरह से यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पे ये आपको एक पटाखा दिख रहा है. इस पटाखे को हम हिंदी में अनार कहते हैं बट इसको इंग्लिश में कहते हैं फाउंटेन क्रैकर्स. क्या कहते हैं, फाउंटेन क्रैकर्स. फाउंटेन क्रैकर्स यानी कि अनार. दिवाली में हम जो ये चरखी जलाते हैं, चरखी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चरखी को कहते हैं ग्राउंड स्पिनर. क्या कहते हैं, ग्राउंड स्पिनर. जो इस तरह से ये गोल गोल घूमती हुई जलती हुई पूरे आंगन में गोल 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 घूम जाती है ना, उसको चरखी को इंग्लिश में कहते हैं ग्राउंड स्पिनर. अभी ये जो आप सबको पता है फुलझड़ी, फुलझड़ी को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्पार्कल. क्या कहते हैं फुलझड़ी को इंग्लिश में, स्पार्कल. ये वर्ड ध्यान में रखिएगा, फुलझड़ी यानी स्पार्कल. ओ वाओ, लुक एट हियर, ये है आलू बम. आलू बम को आप क्या कहेंगे, बास बम. क्या कहेंगे, बास बम. बास बम यानी कि हिंदी में कहते हैं आलू बम और इंग्लिश में कहते हैं बास बम. ये जो आपको दिख रहा है ये सांप का कुछ तो एक इमेज है, लेकिन ये आप जलाते हैं इसको सर्पेंट एग्स यानी कि सांप की गोलियां कहते हैं. इसको आप जैसे ही जलाएंगे ये अलग अलग शेप में जलती हुई फिर डेवलप हो जाती है, फूल जाती है, राइट. तो इसको क्या कहेंगे, इंग्लिश में सर्पेंट एग्स कहते हैं और हिंदी में कहते हैं सांप गोली, सांप की गोली, जिसको आप जलाते ही वो सांप के आकार में फिर उस तरह से जलती हुई फूल जाती है. तो सांप गोली को हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, सर्पेंट एग्स. ये तो हम सबको पता है, इसे कहते हैं हम रॉकेट का पटाखा. रॉकेट पटाखे को इंग्लिश में कहेंगे रॉकेट बॉम्ब. क्या कहेंगे, रॉकेट बॉम्ब. इसी तरह से जिस तरह से आप क्रैकर्स या फिर फायर क्रैकर्स होते हैं जिससे बहुत ही धुआं होता है, पोल्यूशन होता है, लेकिन देर आर सम पोल्यूशन फ्री क्रैकर्स. तो आपको प्रदूषण रहित पटाखे जलाने हैं इस दिवाली में, तो प्रदूषण रहित पटाखे को इंग्लिश में आप कहेंगे ग्रीन क्रैकर्स. ग्रीन क्रैकर्स या फिर पॉल्यूशन फ्री क्रैकर्स हमें दीजिए. इस तरह से भी आप दुकान में जाते जाकर मांग सकते हैं. आप कहेंगे पॉल्यूशन फ्री क्रैकर्स यानी कि प्रदूषण रहित पटाखे, या फिर यू कैन से ग्रीन क्रैकर्स. ठीक है, जिससे प्रदूषण नहीं होता, पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचती. और जो हम
पटाखे फोड़ते हैं तो उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स यानी कि पटाखे फोड़ना। लेट्स गो एंड बर्स्ट क्रैकर्स यानी कि इसका मतलब होता है चलो चलते हैं और पटाखे फोड़ते हैं। बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स यानी कि पटाखे फोड़ना। सो आई होप कि आज के इस सेशन में मैंने आपको क्रैकर्स की जो वोकैबुलरी है, पटाखों के वेरियस जो नाम्स हैं, हमने इंग्लिश विथ हिंदी पढ़े। छोटा सा ही सेशन हुआ लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग पैरा सेशन हुआ, जिससे कि आप बोर भी नहीं होंगे और कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स आपने लर्न कर लिए। हमारा मोटिव यही है कि आपको हर एक हिंदी वर्ड इंग्लिश में पता होना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। आप सबको वापस से दिवाली की बहुत प्यार भरी शुभकामनाएं। एवरी वन विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। और आपके परिवार को भी आप कह देना कि इंग्लिश मास्टर फैमिली की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वी आर फैमिली, वी आर इंग्लिश मास्टर फैमिली। सो लेट्स सेलिब्रेट द दिवाली विथ फुल ऑफ जॉय। सो एंजॉय कीजिएगा एंड खुद की केयर कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स की केयर कीजिएगा एंड पॉल्यूशन फ्री पटाखे आप जलाएंगे, राइट? पॉल्यूशन फ्री पटाखे जलाने से आप पर्यावरण को हानि पहुंचाने से यानी कि नुकसान पहुंचाने से रोक सकते हो। उसमें हमारा इनिशिएटिव ये बहुत ही अच्छा रहेगा। सो चलिए चलते हैं, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।